मैडम उतर आइए, आगे आपकी जगह। मैडम आपके 60 रुपए हो गए, ये ले 50 रुपए। 50 रुपए? लेकिन हमारी तो 60 रुपए की बात हुई थी ना। यहाँ तक के 50 रुपए लगते हैं तो मैं 60 रुपए क्यों दूँ? नहीं मैडम, यहाँ तक के 60 रुपए ही लगते हैं, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। अरे हाँ, वो तो मैंने हाँ में हाँ इसलिए मिलाई थी क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना था, वरना बेफालतू के पैसे क्यों दूँ मैं? ऐसा मत करिए मैडम, मेरा नुकसान हो जाएगा। हाँ तो तू कौन सा 10 रुपए में महल खड़ा कर लेगी? हाँ तो ठीक है, अगर 10 रुपए आपके लिए बड़ी बात नहीं है तो वो 10 रुपए मुझे दे दीजिए। देख तेरे जितने पैसे बनते हैं ना वो मैंने दे दिए हैं, अब मुझसे फालतू के पैसे मत मांग। अरे मैडम दे दो ना इनको 10 रुपए, 10 रुपए की तो बात है, और वैसे भी इन्होंने बताया होगा ना तुम्हें कि यहाँ तक कितना किराया लगता है। अच्छा फ्री के थोड़ी ना पैसे कमाए जाते हैं, तुझे पता भी है कि कितनी मेहनत लगती है पैसे कमाने में? अच्छा तो तुम इन्हें बता रही हो कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये 10-10 रुपए के लिए धूप में भटकती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचती हैं जिससे वो ज्यादा पैसे कमा सकें। ये सारा दिन घूमती हैं, ना धूप देखती ना छाँव, ना भूख ना प्यास, और इस बीच में तुम जैसे लोग इनके 10-10 रुपए खा जाते हैं तो सोचो इनको कितना बुरा लगता होगा। अबे ओ मुझे फालतू का ना ज्ञान मत दे, इसके जितने पैसे बने थे ना मैंने उसे वो दे दिए, और इससे 1 रुपए भी ऊपर नहीं दूंगी अब। अरे मैडम आप तो बहुत बदतमीज हो, पता नहीं इनके 10 रुपए ले कहाँ जाओगी, दे दो इनके 10 रुपए नहीं तो बद्दुआ लगेगी तुम्हें। हाँ हाँ तेरे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं ना, तू एक काम क्यों नहीं करता, तू ही दे दे इनके पैसे, बड़ा या दानवीर। ठीक है इन्हें पैसे मैं दे दूंगा, तुम निकलो यहाँ से। आंटी जी इनके पैसे आप मेरे से ले लेना। ठीक है बेटा। लगता है उन मैडम का फोन रह गया। क्या हो गया बेटा? लगता है मैडम अपना फोन यहाँ भूल गई। फिर तो ये फोन उन्हें वापस करना पड़ेगा। नहीं नहीं आप उन्हें फोन वापस मत करो, उन्होंने आपके पैसे नहीं दिए ना, आप उनका फोन मत दो, उन्हें तभी पता चलेगा कि कोई किसी के मेहनत के पैसे खाता है तो कैसा लगता है। नहीं बेटा अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे में और उस लड़की में क्या फर्क रह जाएगा, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन ईमानदारी का खाती हूँ। लाओ ये फोन मुझे दो, मैं वापिस करके आती हूँ। अरे मैडम मैडम रुकिए, ये क्या 10 रुपए के लिए तू मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई? उस लड़के ने बोला था ना कि वो तुझे दे देगा पैसे, जा उससे मांग। क्या कह रही है मैडम, मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आई, मैं आपको आपका फोन लुटाने आई हूँ। मेरा फोन? अच्छा अब समझ में आया, मैंने तुझे 10 रुपए नहीं दिए इसलिए तूने मेरा फोन चोरी कर लिया है ना। ये क्या कह रही है मैडम आप, एक तो मैंने आपको आपका फोन लुटाया और आप मुझे ही चोर कह रही है। सुन बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तेरे जैसे लोगों को, समझी? पहले तो तूने मेरा फोन चोरी कर लिया, अब तू उसे वापस करने आई है ताकि तेरी चोरी भी ना पकड़ी जाए और तुझे उसके बदले कुछ पैसे मिल जाए, है ना? नहीं मैडम मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाए। अरे मैडम आपको शर्म नहीं आती, ये आपका फोन लुटा रही है और आप इनके साथ बदतमीजी कर रही हो, एक तो आपने इनके पैसे नहीं दिए ऊपर से बदतमीजी कर रही हो। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो माफी मांग लीजिए इनसे, नहीं तो एक दिन आपका ये घमंड आपको ले डूबेगा। आप सही कह रहे हो, मुझे आपके बात समझ में आ गई है आंटी, आई एम सॉरी, और ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू मेरा फोन वापस करने के लिए। कोई बात नहीं, धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, ये आपका हक था।